जो नित धेनु चालीसा गावे, मिटे कष्ट गौ भाग्य बढ़ावे, श्री रूप सुरभि सदा कीर्ति विशुद्ध अथा कहा गोपाल सुख संपदा नित्य धेनु की छाय। दोस्तों मैं किसी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो गाय का प्रचार करेगा, कई बार आप लोग ये भी कहते हैं कि गोपाल मणि महाराज क्या कर रहे हैं, भाई ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो जगाने का काम कर रहे हैं, जो अलग जगाई है, वो मेहनत एक दिन अवश्य रंग लाएगी। जय गौ माता, जय राष्ट्र माता। पूज्य गुरु जी राष्ट्र संत गोपाल मणि जी महाराज, आपको मेरा सशत नमन कि आपने ये अलग जगाई और लोगों के मन में ये विश्वास जगाया कि गाय माता के अंदर कितने गुण होते हैं, हमारे धर्म में गाय का क्या महत्व है, और आपने ऐसे इतने ही नहीं अनगिनत हमारी मातृशक्ति हो या भाई लोग हों, सबको जगाने का प्रयास करा कि गाय की सेवा होनी चाहिए और गौ माता राष्ट्र माता होनी चाहिए। तो मैं इन सभी का भी धन्यवाद करता हूँ कि देखो छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पहुँचे हैं, और बच्चों को आप जहाँ ले जाओगे बच्चे भी उन्हीं के बात करेंगे। अगर आप अमिताभ बच्चन की फिल्म दिखाओगे तो अमिताभ बच्चन की तरह स्टाइल वो करने का प्रयास करेंगे। गौशालाओं में ले जाओगे तो गाय की बात करेंगे। और ये स्पेशल वीडियो मैं आज आपके लिए इसलिए बना रहा हूँ कि यहाँ पर जो है एक बहन ऐसी हमारी, नाम भी पूछेंगे, कि जो कभी स्कूल नहीं गई, लेकिन गाय माता की कृपा से गाय पर जो बोलती है और गाय माता के लिए रोती है कि गाय की सेवा होनी चाहिए। और दोस्तों रोती तो दुनिया है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कुछ करते भी हैं और इसलिए रोते हैं कि गाय माता की सेवा हो जाए। आज देखिए कितना दुर्भाग्य है कि गाय माता घरों से पहले रोटी खाती थी, हमारे घर से निकली पहले रोटी खाती थी, और आज अंतिम कूड़ा जो घर से निकलता है उसे खाने के लिए हम लोगों ने उसे मजबूर कर दिया। उसका कारण है हमने उसका महत्व समझा नहीं। हम लाखों की करोड़ों की पूरा घर बर्बाद करके कैंसर की दवाई के लिए जान लगा देते कि अबे कैंसर ठीक करना, कोई बीमारी ठीक करनी है, लेकिन हमें इतना ज्ञान नहीं है कि गौमूत्र के रसपान से हमारा कैंसर तक रोग ठीक हो जाता है। और ये सारी महिमा को उजागर करने का काम किया है राष्ट्र संत गोपाल मणि जी महाराज। देखिए मैं अब आपको मिलाता हूँ उस बहन से जो आपको आज धेनु चालीसा सुनाने वाली है, और आप इस वीडियो को ध्यान से सुनेगा, बहुत बड़ी बात। एक बात पहले भाई, जरा ऐसी बहनों के लिए आप थोड़ा ताली बजा दो, और ऐसी बहनें माताएं हमारे बीच और भी होंगी, उनका भी नंबर आएगा, पर आज इन्हीं का नंबर है। प्रणाम, जय गौ माता। जय गौ माता। आप नाम बताओ पहले आप। मेरा नाम सरोजनी चमोली। गाँव का जी आपको? गाँव पिपोला। पिपोला ग्राम से पिपोला, मतलब आप सही से रहना हमारा। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब आप सुनाओ धेनु चालीसा। याद होली मैं तो याद होगी, ऐसा आपको याद है, मुझे पता है। माँ श्री धेनु चालीसा, श्री धेनु चालीसा, माँ सुमरण मुख सहज हो, चार पदार्थ सारा धरा, रूप सुरभि धरा महिमा अमिता पार, देव धनु सागर मंथन पावा, चौदह रतन प्रमुख गोपावा, पांच धेनु प्रगटहु जग बहुला, नंदा भद्रा सुरभि सुशीला, महागौरी महिषासुर घाती, वर्षोहन शंकर शिवरती, धन्य मातमल देव बनाई, प्रथम पूज्य गौ जधन कहाई, जप तप यज्ञ दान विधि नाना गौ माई, लेपन सकल विदान पंच गव्या पंच तत्व निखारी, पंच प्राण ब्रह्मा राधा सिधारी, नेम छेम गौ ककुत निवासु, रोम रोम जाकी सुरवसु, सिंह शिखर गौ माता चढ़ाई, काम क्रोध रिपलो मिटाई, गल कंबल नव जीवन दाता, काम धेनु त्रिभुन माता, भानुपीठ मंगल शुभकारी, दरस परस पावन अगारी, वरदानी सब रोग मिटाई, बैतरणी भाव पार लगाई, गौमुख गंगा बेग बनाई, शब्द मात्र गौ द्वैत बनाई, श्रद्धा पिंड तर्पण माँ की पूजा, साधन सिद्धि धेनु नई दूजा, सकल कर्म साकी गौ माता, विमुख धेनु सो नरक निरपाता, ब्रह्मा मोहित पावन सब कहाई, गौ धूली बेला शुभ कहाई, जाकी सर्वस्व वेद विद गाई, गौ रज विद को लेख मिटाई, प्रातःकाल उठाऊ दर्शन पाऊ, वेद पुराण सुदर्शन गाऊ,
सुरभि सुमंगल भारत माता मेटत भला कोह विदाता ऋषि श्रृंगी गौ खीर मंगाई ब्रज दोष सब दूर कराई पावन कोख राम अवतारो गोकुल कृष्ण जानी जग सारो ध्रुव प्रहलाद हरि भगत कहाओ माँ की कोख देनु पाय पाओ सत्य कर्म ब्रह्मा ज्ञानी जिज्ञासु गौ सेवा से महा विनाशु जोरथ विश्वा फिरे अभिमानी विश्वामित्र भया मुन ज्ञानी जाके इष्ट देनु ऋषि गाई ऋषि वशिष्ठ गुरु गोरख भाई परशुराम गौ माता बचाई अमर अजर कीर्ति जग छाई सावित्री सत्यामान समेत फिरी नचकेता जम राजु निकेता अस्थि ददीची वज्र हो जाई सदा धेनु पाय पान कराई दूध धेनु जग अमृत कहाई गौ गिर तो पम खोज न पाई निर्बलता सब धेनु मिटाई प्रबल रूप नरसिंह बनाई भारत पारत रूप सबर निर्विराट गवा धेनु पुकारी तीरथ बस धेनु खुरमाई शरण गाई सब विपता नशाई मामा कहत फिरत मन भागी माधव नाम मिले हरि मांगी नारद कृष्ण वेणु अरविंद गावत गौ गुण गण परवीण निरप दिलीप गौ सेवा किनाई सुंदर सुत रघु आशी दिनाई कालिदास गुसाई पावा चित्रकूट चित्त धेनु वर्षवा जनक ब्रह्मा ज्ञानी बढ़वारी गाय निरादर नरक निहारी ऋषि दुर्भाषा यहा बताई पांडव पांच कुंती सुत पाई द्रौपदी लाज रखे अधुराई नाम देव मृत्यु धेनु जियाई धेनु मानस जोई बिध पाई सोई गोपाल धेनु चालीसा गाई जो नित धेनु चालीसा गावे मिटे कष्ट गौ भाग्य बढ़ावे श्री रूप सुरभि सदा कीर्ति विशुद्ध अथा कहा गोपाल सुख संपदा नित्य धेनु की छाय माँ 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 माता। कैसा लगा आप लोग, आप लोग जरूर लिखिए कौन आदमी क्या गुनगुनाता है, जो उसका जो महत्व समझ पाता है उसी को गुनगुनाता है। तो आप सभी से मेरे प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को जो आप लोग आए नहीं सच दजते गौशाला में जी धन्यवाद। तो लोग कुल पिक्चर देखने जान लगे है ना, तो बहुत बढ़िया। और मैं फिर थोड़ा सा गुनगुनाने के पास आपको धन्यवाद। तो आज की हमारी खबर अब छपने वाली है अमर उजाला में, तो बहुत बढ़िया प्रणाम आप सब थे। आपको बोलने जा रहा शब्द संक्षेप में जी, बहुत संक्षेप में आज ये दीदी खातर और डांस छोड़ा आप। हाँ बहन जिन जो कई बार बहुत ही अब ऐसी गाय की सेवा में लगे रहने ना, और कई बार ये धेनु मानस उन कंठस्थ याद से कई बार सुनाई और निश्चित रूप से गाय के प्रति जो समर्पण से जो गाय के प्रति उनकी सेवा से ये तो प्रदर्शित कर दूँ। और निश्चित रूप से और तभी ऐसी प्रेरणा नहीं चाहती, गाय हमारी एक राष्ट्र माता ची, हालांकि सरकार अभी ये तय घोषित नहीं करी लेकिन हम अपने ये मन से मानदा और गाय का बिना गाय का हमारा हिंदू धर्म कोई भी काम नहीं होने ना, गाय बिना गति नहीं होना मतलब। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अच्छा दीदी आप पता आप तो ये प्रेरणा कब मिली जरा आप थोड़ा गड़बड़ा में बात कर लाऊं कि आप गौड़े खाते रोने चल लगे लोग तो रुपया खाते रोने लगे आप लोग तुम गौड़े खाते हमारे गुरुजी जब बेटे नाम गुरुजी की कथा सुनी वाली पहले राम कथा बोलता था तो राम कथा में हमेशा हमने गाय की महिमा सुनी अपने गुरुजी के मुख से हमेशा। तो जब से गुरुजी ने गाय की महिमा बताई तब से मैं गौ माता की खातर मतलब मानवा इन रहे कि गौ माता सबसे बड़ी चीज। तो जब रिपीटिंग गुरुजी ने गौ माता की कथा सुनाई कि गाय के गोबर की धूप जलाई चेंदी गाय के गोबर को राख हूँ तो ऐसे दांत मंजन करूँ चेंदू तो मैंने हमेशा अपने परिवार में भी अपना आप भी मैंने कभी आज तक घर बाजार की धूप नहीं जलाई हमेशा आज तक मतलब गाय की सेवा में इतना रम गए आप रम जी गाय सेवा तो मैं करने नहीं लगी पूछ लिया सब मैंने ये गाय सेवा गाय की सेवा मैंने बेटी कुछ सेवा नहीं गाय की सेवा लगाना भी गाय के मैं गाना भी गाय की बहुत बड़ी सेवा चाह ये कविता ये गीत जाकर लगाना है कि लोग लंबी बात है छोटी छोटी करके सुने जाओ अगर आप रोने लगे गौड़ियों खाते तो बहुत बड़ी बात है। पर हमने गुरुजी से प्रेरणा ली बस और हमें पहले गाय माता मेरे मैथी पाला था हमने पाली साई सर पाली पर नहीं था पता मैम को जब गुरुजी ने बताया हम जन गुरुजी कथा में जैता नहीं हम गाय माता की मैम सुनी तो आज नहीं गुरुजी तो गाय माता को पहले भी टीन थे तो वो तो भगवान जब गुरुजी ने गाय माता की तरफ एकदम भेजी तो गाय माता की कृपा ना भगवान की कृपा तो हम मैं गुरुजी के मुख से सुने यार गुरुजी के पैर बहुत बहुत धन्यवाद कोई नहीं। और अभी ध्यान रखे लो यून अब यून कसम खेले बल के गाँव जाना लोग लोग तो समझो कि जो गौड़ गौड़ तेन तुम राष्ट्र माता घोषित नहीं करता ना तो हम वोट दिला नहीं जाने ये भी उन्होंने आज संकल्प लिया ली ठीक है बोलो ये बोला 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 कि देखो हम क्या चीज थी हम छे क्या चीज पहले कुछ भी नहीं हम तो कुछ ना गाय सेवा करना ना हम कुछ कर सकना कुछ भी नहीं गुरुजी पर देख कब रिपीटिंग गुरुजी अपने परिवार से मतलब नहीं कैसे मतलब घर से नहीं गाय सेवा में लगे फिर देखा तुम चारों मठ का शंकराचार्य जी जो हमारे चारों मठ के शंकराचार्य जी हैं वो हमारे गुरुजी के साथ गौ माता के साथ आए गुरुजी के साथ नहीं गौ माता के साथ आ गए है ना। तो यहाँ का मतलब गौ माता बहुत बड़ी चीज क्योंकि हम तो अपने गुरुजी से सुनी गौ माता बहुत बड़ी चीज पर अब हमें और भी विश्वास होगी कि गौ माता इतना बड़ी चीज कि जो चारों मठों का शंकराचार्य जी तो वो गौ माता का
प्रचार पर उतरी गई। तो एक बात मैं सब बहनों से बोलना चाहूँ दो, जितना भी लोग या मैं भी आया या जो ये पर सुन रहा भी, कि 14 तारीख से वृंदावन में पैदल यात्रा चारों शंकराचार्य जी और गुरु जी कर रहे हैं। तो अगर आप लोग जानो चाहता तो तक मतलब आह्वान सबको,